जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बहुत बड़ी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा नहीं है, मगर मैं फिर भी पूरी अपनी जान लगा दूँगा। आपको लखनऊ का धनतेरस और दिवाली कैसे इस टाइम चल रहा है सब कुछ आपको दृश्य दिखाऊंगा, मॉल जाऊंगा, क्या चल रहा है सारा कुछ अच्छे अच्छे दृश्य कैप्चर करके इसमें लगा दूंगा। तो मेरे बोलने में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, उससे हमें खुशी मिलेगी और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो चलिए मॉल चलते हैं हम डायरेक्ट। मेरे प्रिय मित्रों, अभी मैं पहुंच चुका हूं मॉल और एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूं, मतलब फ़ोन पकड़ा हूं, और दूसरे हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपको जितना संभव हो पाए उतना आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर लाइटिंग बहुत अच्छी है, ये लखनऊ का मॉल है, फिनिक्स मॉल है इसको कहते हैं, और यहां पर वाटरफॉल हो रहा था तो मैं सोचा इसको भी ले लेता हूं। कैप्चर करने की बहुत कोशिश की है मगर जितना आ पाया कैमरे में मैंने पूरा ले लिया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहाँ पर बड़ा अच्छा हैप्पी दिवाली लिखा था, तो धनतेरस के दिन आया हूँ तो धनतेरस और दिवाली का दोनों का ब्लॉग बन जाएगा। तो यहाँ पर झूला झूला रहे थे मॉल के अंदर, कृष्ण राधा कृष्ण वाला झूला है, कितना सुंदर प्यारा अच्छा लग रहा है यार, क्या गजब है। और यहाँ गणेश जी मतलब कि सिल्वर के बने हुए थे, कॉइन्स लगे छोटे छोटे, आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, अभी आगे जूम भी करता हूँ मैं। तो यहाँ पर एक हाथ से पकड़ा हूँ फ़ोन, तो आप गणेश जी को कायदे से देखिए, अभी मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे सिक्के लगे प्यारे प्यारे सिल्वर कलर के, वाह वाह, ऐसा भगवान जी क्या देखा मैंने, भगवान जी आप ही को देखा, आप ही की दृष्टि से, हे भगवान कल्याण हो पूरी दुनिया का भगवान। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब कि मन खुश हो गया, लगता है मॉल जाना। अरे माँ ने सरप्राइज़ दे दिया, माँ भी आई थी मेरे पीछे पीछे, ओ माय गॉड, माँ सरप्राइज़ देने आई थी मुझे, ओह बेटे की खुशी में माँ भी शामिल है। और यहाँ पर चलो माँ का भी एक लेते हैं यहाँ पर गणेश जी के साथ, तो गणेश जी के साथ माँ का भी आ गया है, तो माँ भी अपने देखेगी इन यादों को और हम भी देखेंगे, फ़ोन में कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आशीर्वाद ले लिया गणेश जी का। उसके आगे यहाँ पर ये एक बना था, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड बताइएगा, ये बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने इसके साथ भी वीडियो बना ली। और मीठा तो लेना ही पड़ेगा धनतेरस दिवाली, तो मैंने यहाँ पर चीनी ली है, क्योंकि चीनी सबसे सही चीज़ है और बाकी सब बेकार चीज़ होती हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मिठाइयाँ भी यहाँ पर मिल रही, मगर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने है, ये रसगुल्ला मिल रहा है फिनिक्स मॉल में, मगर पैकेट वाले रसगुल्ले मत खाइए, इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे होते हैं। और फ्रेंड आप गंदा थोड़ा खा लीजिए वो चलेगा दुकान का, मगर ये पैकेजिंग वाले स्वीट्स मत खाइए कृपया करके। और यहाँ पर धनतेरस पे मैंने एक चम्मच ले लिया, ये चमचा है, और क्योंकि हम लोग क्या चम्मच बहुत कम इस्तेमाल होता है, हम लोग हाथी से खाना खाते तो चमचा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दाल निकालनी पड़ती है। और यहाँ पर मैं पोछा ओछा करता हूँ, और यहाँ पर मैं बर्तन धोने के लिए थोड़ी आसानी हो स्कॉच ब्राइट का यहाँ पर मैंने स्क्रबर ले लिया है, और ये भी कुछ लोहे का होता है इससे घिसा जाता है, तो ये आसान रहेगा मेरे लिए, तो ये मैंने ले लिया है। उसके बाद झाड़ू सुबह सुबह लगाना होता है, तो यहाँ झाड़ू बड़ा सही मिल रहा था, मतलब 40 रुपये में क्या मस्त झाड़ू मिल रहा था, 49 रुपीज़ में झाड़ू मिल रहा था, तो मैंने झाड़ू भी उठा लिया यहाँ पर। और फ्रेंड बहुत यहाँ पर शानदार होता है, आगे और मज़ा आने वाला है, क्योंकि आगे एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। और फ्रेंड यहाँ पर मैंने झाड़ू तो ले ही लिया है। सो दोस्तों आप हमारी खुशी में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। विदेशी लोग तो नहीं, कम से कम भारतीय लोग इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। शुभ काम में देरी कैसी जल्दी कर दीजिए, उससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है और देश बढ़ता देखकर और भी अच्छा लगता है। तो ये देश का चैनल है, जय हिंद वंदे मातरम।